हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करेंट फीलिंग। तो क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11:11, उसे भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी अपना थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे छोटी रीडिंग्स आती है। जिन लोगों को छोटी रीडिंग पसंद है, मॉर्निंग एनर्जी अपडेट आता है। सेकंड चीज़, वहाँ पे 2 बजे एक सुबह 10:10 पे आता है मॉर्निंग एनर्जी अपडेट, और इसके अलावा 10 बजे सॉरी रात दोपहर में 2 बजे आता है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे एक रीडिंग होती है, छोटी रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आपको वो पसंद है तो वो भी जाके देख सकते हो। बाकी शॉर्ट्स आती हैं, तो जिन लोगों को थोड़ा जल्दी रहती है वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो ने कैंसर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पे, और इसके अलावा कौन बचा, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी मिसिंग है, ठीक है। लेकिन रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग सभी के लिए है। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज डिवाइन, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, जगलिंग की दो सिचुएशन आ गई, कोई सिचुएशन है दो जिनमें जगल कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। कुछ मैनिफेस्ट करना है बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है आप लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे चीजें हैं किसी एक जगह, थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। यस, बैलेंस की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि इनकी जिंदगी में दो सिचुएशन है। फिलहाल आपके लिए एनर्जी को हम नहीं कहेंगे, हम इनकी जनरल एनर्जी आपको बता देते हैं। इनका इरादा डेथ और न्यू बिगनिंग का है, इनको एक एक्शन लेना है। अभी ये एक्शन आपके खिलाफ होगा या आपके साथ होगा नहीं पता, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, इनको लगता है चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो ये प्यार खो देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बैलेंस नहीं हुई तो डेफिनेटली ये प्यार खो देंगे, यहाँ पे एनर्जी है। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस ही करना चाहते हैं, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं बट बैलेंस नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यही एनर्जी है इनकी, क्योंकि दो सिचुएशन जरूर है यहाँ पे, आप और थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ यहाँ पे क्यों है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है इनके बीच में अंदर। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है आप लोगों के बीच में, फाइट्स की एनर्जी है यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में। इस वक्त इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, जहाँ पे भी अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जहाँ पे इनकी विशेस हैं, कुछ इनकी विशेस हो सकती हैं, इनकी फैमिली से जुड़े लोगों की विशेस हो सकती हैं, जिनको जिनकी इच्छाओं पे इन्हें खरा उतरना है, तो ये इनके लिए इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनर्जी एक्शन लेने की एनर्जी में है इस वक्त इन्हें, ठीक है। कोई निर्णय लेना है आर्या पार का,
अब यहाँ पे ये आपको चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं बट बैलेंस होती दिखाई है, शायद इन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया बट चीज़ें इन्हें पता है कि बैलेंस नहीं हो सकती, अब कोई एक चीज़ चुननी है। फाइट्स लड़ाई झगड़े यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो हो सकता है आप और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहे हैं या इनके आपसे भी हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से भी हो, जो भी चीज़, तो इनको ये पता है कि अब यहाँ पे चीज़ें कहीं पे कुछ एक जगह ख़त्म करना होगा, कुछ नया शुरू करना होगा। ठीक है, अगर मैं अभी आगे चलूंगी तो देख लूंगी बट यहाँ के इन कार्ड से तो मुझे यही दिखाई देता है कि ये यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उसे ये एकदम इमिडिएटली इनका छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, ये यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी विशेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देख रहे हैं, मतलब दे रहे हैं कि क्या हमारी विशेस पूरी होंगी कि नहीं होंगी। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए, ईगो में है, थोड़े से गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये थोड़े से एंगर में है, गुस्सा है इनके अंदर। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, ठीक है, इनकी लाइफ में, जिसके साथ चीज़ें ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने धोखा दिया है इनको, ठीक है, इनको डिच किया है, इनको चीट किया है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसे है, ये कितने नादान भोले हैं नहीं पता है, बट इनका इनकी जो फिलहाल इनकी मेंटेलिटी है वो एक विक्टिम मेंटेलिटी है, ये नाराज हैं बेसिकली, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैसे की धौंस दिखा रहे हो या आपने कहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई है, आपके पर्सन थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा है ये। ठीक है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप लॉयल हैं, आपके ऊपर शक नहीं कर रहे हैं, बट धोखा इन सेंस शायद आप इन्हें सपोर्ट देने का आपने प्रॉमिस किया था या इन्होंने उम्मीद किया था कि आपको आप सपोर्ट दोगे बट आप नहीं कर रहे हो ऐसा। ठीक है, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है किसी तरीके की, स्टेटस इशू हो सकता है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपका प्यार खो दिया है, और दूसरी तरफ इनकी ये भी चीज़ है कि यहाँ पे या आपको पाने के लिए इन्हें जिन्हें खोना पड़ेगा, फैमिली है या कोई जो भी है इनसे जुड़े हुए, तो ये ऐसा लग रहा है कोई अपना खास खो जाएगा, तो ये एक्चुअली इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे चीज़ों को आप बैलेंस करने की बट अभी इन्हें लग नहीं रहा कि बैलेंस हो पाएगा। और दूसरी तरफ ये थोड़े आपसे नाराज हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना आपको अपने स्टेटस का, बिकॉज हम क्वीन ऑफ पेंटिकल को यहाँ स्टेटस से लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी को जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हो। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में एक स्टेटस डिफरेंस है, ये पॉइंट उन लोगों के साथ ज़्यादा रिजोनेट करेगा जहाँ हमारे व्यूअर्स की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपके पर्सन से ज़्यादा हाई है। ठीक है, वहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। ठीक है, आपने उन्हें हर्ट किया है, उन्हें बहुत तकलीफ पहुँचाई है। ठीक है, इस तरीके की नहीं, हो सकता है आपने इन्हें सपोर्ट करने के लिए कहा हो फाइनेंशियली बट अब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अब अपना हाथ पीछे खींच रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी है, इस वजह से ये थोड़े से गुस्से में है। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे जो कोई क्वीन ऑफ कप्स है इनकी ज़िंदगी में जिससे ये इमोशनली जुड़े हुए थे या इनकी ज़िंदगी में कोई और था वहाँ पे, तो अब इनकी एनर्जी उधर जाने की है, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है तो यहाँ पे आपके पर्सन, क्योंकि आपसे ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चाह रहे थे कि फाइनेंसेस आप लोग थोड़ा सा इनको सपोर्ट करोगे चीज़ों को, तो इसी वजह से हो सकता है ये इतने दिनों से आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, तो अब इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके इस क्वीन ऑफ कप्स जिससे इनका इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है, वहाँ अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, उधर बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे एक तरीके से ये दूरी बना रहे हैं, मतलब आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, रिग्रेट है इन्हें। ठीक है, अभी भी इनकी एनर्जी यही है, ये आपसे नाराज है इसलिए इनका दिमाग, इसलिए इनके दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा आ रही है कि ये क्वीन ऑफ कप्स के साथ चीज़ों को मैनेज कर लें, वहीं उसी के लिए काम कर लेते हैं यहाँ पे ये, क्योंकि ये आपसे फाइनेंशियली जुड़े थे, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच में इनकी कहूँगी, हालांकि ये आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, इनको रिग्रेट भी हो रहा है यहाँ पे, ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, इनका इरादा आपकी तरफ आने का भी है, एक्चुअली ये कर आपको बैलेंस ही करना चाहते हैं, ये खोना आपको भी नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो फिलहाल या तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया है या कर दिया है जिसकी वजह से ये फिलहाल आपसे गुस्सा है। ठीक है, आपसे इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने इनको चीट किया है बिल्कुल, नहीं ऐसे लग रहा है जैसे आपने इनको बैक स्टेप किया है, इस तरीके की इनकी एनर्जी, तो थोड़ा सा गुस्सा है, आपसे एक दूरी बना रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है इनकी, और ये आपसे आपके खिलाफ जाने की, इन्हें इस वक्त जो है ना वो क्वीन ऑफ कप्स ज़्यादा सही लग रही है अपनी नज़रों में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, ये थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं,
ये इनके माइंड में इस वक्त जो चल रहा है ना, कि अगर आपने कहीं पैसे को लेकर के बात हुई है आपकी, या कुछ भी आपकी तरफ से एक ऐसा एक्शन हुआ है जहां पे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने इन्हें इंसल्ट किया, किया नहीं किया नहीं मालूम है, बस कार्ड यहाँ दिखा रहे हैं, आपके पर्सन की ईगो हर्ट हुई है किसी बात को लेकर के, और अब इनके दिमाग में यही है कि इनको ये आपको प्यार भरा ऑफर करना चाहते थे, बट क्योंकि आपने इतना एटीट्यूड दिखाया है, ये आपके लिए इतने परेशान हुए हैं, तो अब ये जिंदगी में यही चाह रहे हैं कि अब ये किसी और को अपना प्यार भरा कप ऑफर कर देंगे। हालांकि इनको बहुत बेचैनी है, रिग्रेट भी है, ठीक है, लेकिन ये किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे, मतलब आपके बराबर बनेंगे। यहाँ पे ये एक युगो है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स के साथ ज्यादा इमोशनली दिखाई दे रहे हैं। द मजिशियन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में सब कुछ, ठीक है। हालांकि इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, सक्सेस ये अभी भी आपके प्यार में चाहते हैं, हो सकता है फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये बहुत ज्यादा इनका अटैचमेंट आपके साथ में हो सकता है जहां ये जुड़े हुए। दूसरी तरफ गुस्सा, बराबरी, जिद, जलन सब कुछ हो सकता है, पजेसिवनेस है कि आपको खोना नहीं चाहते ये, तो ये सारे थॉट आपके लिए भी हैं, बट आपके लिए थोड़ा सा गुस्सा, एंगर इश्यूज है। क्वीन ऑफ कप्स के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत प्यार है या कुछ भी है, अटैचमेंट होगा वहां पे, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको ये पता है कि थर्ड पार्टी फैमिली, जो थर्ड पार्टी है वो कोई लविंग पर्सन और भी है उनकी जिंदगी में, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपको पता होगा, बिकॉज यहाँ कोई ऑप्शन की एनर्जी नहीं आई है कि सर्च कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इनकी जिंदगी में है, इनके पास दूसरा ऑप्शन क्वीन ऑफ कप्स, जहां ये इमोशनली अटैच्ड है, ठीक है। आपसे हो सकता है पैसे की वजह से अटैच्ड है, ये भी चीज है, बिकॉज आप एक लॉयल कमिटेड प्रोवाइडर किस्म के इंसान रहे हो, तो आपसे इनका वो रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकती है, बिकॉज जब हम आपके लिए बोल रहे थे तब हमें 11-11 दिखाई दिया। ये तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, बराबरी की एनर्जी है, फिलहाल इनकी एनर्जी यही है कि ये आपसे थोड़े लिब्रा है, लिब्रा हो सकते हैं आप, ये आपके पर्सन, इनकी एनर्जी यही है कि ये आपसे थोड़ा सा जिद में है, गुस्से में है, अगर इन्होंने ये आपके साथ रिश्ता खत्म करके कहीं, क्योंकि अगर रिसेंटली आपके साथ फाइट हुई है तो ये किसी और के साथ में जाना चाहते हैं, जिसके साथ वहां चीजों को, रिश्तों को वर्कआउट करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के पास, और थर्ड पार्टी है तो आपको पता होगा, अगर वहां झगड़ा हुआ है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो ये हो सकता है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो और आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही, तो ये वहां झगड़ा करके हो सकता है आपके पास आए, ठीक है। यहाँ पे रिफ्यूजल की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्रपोजल जो है ना, इनको आप इनका नहीं ले रहे हो, तो अब ये भी इस तरीके से दिखा रहे हैं कि इनके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, ये अपने आपका प्रपोजल अब ये नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने ऑप्शन को देखेंगे, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज जस्ट बिकॉज, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया है और आप अपनी जिंदगी में खुश हो, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो, यहाँ पे ये एनर्जी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूंगी, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है, आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो रही, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, तो वहां पे इनकी एनर्जी ये है कि ये आपकी तरफ आ सकते हैं, तो आप किस कैटेगरी में आएंगे आप देख लेना, क्वीन ऑफ कप्स है कि क्वीन ऑफ वेंट्स पेंटिकल की एनर्जी में है, पर हाँ एक चीज उनको पता है कि ये दोनों में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हालांकि ये दोनों को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, इतने टाइम से प्रैक्टिस कोशिश यही कर रहे थे कि बैलेंस कर लें। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या आई नीड ओनली वन, आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, यस ये आपके लिए परेशान है लेकिन गुस्से में है, इसलिए ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बातें किसी से भी करूं पर प्यार तो तुम ही हो मेरा, अगर फाइट्स आपसे, लड़ाई झगड़े आपसे साथ हुए हैं, तो वहां पे इनकी एनर्जी यही है कि ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप बातें किसी से भी करें बट प्यार आप ही हो, पर पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं कि आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, यहाँ पे ये एनर्जी, मुझे ये वाली एनर्जी पता नहीं क्यों क्वीन ऑफ कप्स के लिए ज्यादा लग रही है यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, अगर रिजोनेट किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि डिटेल रीडिंग होगी, तो हम इसी एनर्जी का देखेंगे क्या उनकी एनर्जी में चेंज आता है, तो वो डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।